दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल लिक्विड डायबिटीज़ में। आज हम इसमें बात करेंगे एक नए विषय के बारे में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एक्सरसाइज या व्यायाम। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्यायाम क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज यूजुअली क्यों नहीं होता, लोग क्यों नहीं करते एक्सरसाइज। कई तरह के बहाने या कारण आप समझ लीजिए जो भी जो मरीजों के पास होते हैं, उनमें से कुछ मैंने लिस्ट किए हैं जो मुझे यूजुअली क्लिनिक में पेशेंट्स बोलते हैं। एक तो ये सबसे तकलीफ देह काम है, सुबह सुबह उठिए, सबसे बोरिंग काम है, मेहनत वाला काम है। कई लोगों को लगता है कि व्यायाम जरूरी ही नहीं है। कई लोगों को लगता है मेरा शुगर तो कंट्रोल में है, मुझे व्यायाम की क्या ज़रूरत, मुझे तो बीपी नहीं है, मुझे व्यायाम की क्या ज़रूरत, मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, व्यायाम की क्या ज़रूरत। कई बार मरीजों के सामने बहुत सारे बहाने भी रहते हैं, जैसे समय नहीं मिलता, मौसम सही नहीं है, आज बारिश हो गई, आज जाड़ा हो गया, आज ज़्यादा गर्मी लग रही है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, सुबह नहीं उठ पाते, वगैरह वगैरह। बहुत सारे बहाने लोग निकाल लेते हैं एक्सरसाइज न करने के बारे में। तो मैं आज आपको कुछ सवाल पूछूंगा, जिनका आंसर आप मुझे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। ये खास करके मैं उन मरीजों के लिए बोल रहा हूँ जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, लेकिन ये सारी चीज़ें उन पर भी लागू होती हैं जिनको आज के डेट में शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है। तो ये तीन सवाल क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा हर शुगर के मरीज से, क्या आपको शुगर की दवाइयों से डर लगता है? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुगर के मरीजों की धीरे धीरे दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे आपके शुगर का लेवल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है, वैसे शुगर की दवाइयाँ बढ़ती जाती है। तो क्या आप चाहते हैं कि शुगर की दवाइयाँ आपकी ना बढ़ें? दूसरा सवाल, क्या आपको इंसुलिन के इंजेक्शन से डर लगता है? दोस्तों, सभी को पता है कि शुगर के मरीज को आज नहीं तो कल इंसुलिन के इंजेक्शन लगना जरूरी है। यूजुअली किसी भी मरीज को 5 से 10 साल बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लगना जरूरी रहता है। तो दोस्तों, ये देखा गया है कि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बनी रहती है और इंसुलिन अच्छे से काम करती है, तो उन्हें साधारणतः कुछ सालों बाद ही इंसुलिन का इंजेक्शन लगते हैं, उनको जल्दी इंसुलिन नहीं लगती। तीसरा सवाल, क्या आपको हार्ट की बीमारी से डर लगता है? दोस्तों, ये सवाल पर सभी का जवाब जो रहता है वो हाँ, मुझे हार्ट की बीमारियों से डर लगता है। लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं या महसूस कर पाते हैं कि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनको हार्ट की बीमारी जल्दी नहीं होती, और अगर हार्ट की बीमारी होती भी है तो व्यायाम के दौरान वो पता चल जाती है। लेकिन हमारे देश में आजकल जब से वेस्टर्नाइजेशन शुरू हुआ है, ज़्यादातर लोग चलते फिरते है नहीं, ज़्यादातर काम कंप्यूटर या मोबाइल में कर लेते हैं, जिनके कारण उन्हें चलने की आदत ही नहीं होती और चलते ही नहीं, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कब उनके हार्ट में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है और अचानक से कोई भी चेस्ट पेन होने के कारण हार्ट अटैक होता है। तो अगर ये तीनों सवालों का आपके पास जवाब हाँ है तो दोस्तों, आप आज से ही व्यायाम शुरू करें। अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो ये तीन चीज़ें, दवाइयाँ, शुगर की, बीपी की आपकी जल्दी जल्दी बढ़ेंगी, इंसुलिन लगने का चांसेस आपको ज़्यादा रहेगा और हार्ट की बीमारी होने का चांसेस या हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अब दोस्तों, दूसरे फायदों के बारे में बात करते हैं। दूसरे कई सारे फायदे होते हैं व्यायाम करने से, जैसे वजन कम होना, शुगर नियंत्रण में रहना, इसके बारे में तो हमने बात कर चुके, इंसुलिन के बारे में बात कर चुके, ऊर्जा को महसूस करना। अगर आप 7 दिन व्यायाम करके देखिए, आपको जिस तरह की फीलिंग दिन भर रहती है, आप अगर 2 दिन व्यायाम ना करें तो आपका चेहरा मुरझाया सा लगेगा, आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप व्यायाम करके अगर सुबह सुबह घर में निकलते हैं अपने ऑफिस पे या अपने काम पे, तो एक अलग ही ऊर्जा से काम करते हैं, आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका आउटपुट बढ़ जाता है। दूसरा दोस्तों, जो लोग रेगुलर व्यायाम करते हैं उनमें डिप्रेशन या मानसिक बीमारियाँ कम होती हैं, ओल्ड एज में उन्हें डिमेंशिया या मेमोरी लॉस की शिकायत कम होती है, उन्हें नींद अच्छी आती है और अपने कामों में मन लगा रहता है।
अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है, कई लोग पूछते हैं कि क्या करें, क्या व्यायाम करें, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। तो कुछ कॉमन व्यायाम की लिस्ट मैंने बनाई है, जैसे सबसे सहज है, अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप चल सकते हैं, सिंपल वॉकिंग या चलना जिसे बोलते हैं। अगर आपके आसपास में आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां स्विमिंग पूल है, आप तैराकी कर सकते हैं। आजकल ट्रेडमिल मशीनें मिलती हैं, आप चाहें तो उसे घर में रख सकते हैं, उसमें आप चल सकते हैं। आप टीवी देखते हुए उस ट्रेडमिल की मशीन में व्यायाम कर सकते हैं। और भी कुछ व्यायाम मैं अभी आपको बताऊंगा जो आप टीवी देखते हुए घर में कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि कब व्यायाम करें, हमें सुबह ऑफिस लेट में हमें सुबह ऑफिस जल्दी जाना होता है, हम उठ नहीं पाते, हमें बच्चों को तैयार करना होता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो दोस्तों कई लोग ये बहाना बना देते हैं कि सुबह मुझे समय नहीं होता तो मैं व्यायाम नहीं कर सकूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यायाम के लिए कोई समय निर्धारित किया हुआ नहीं है, आपको जब समय मिले आप घर में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, कभी भी व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम का कोई निर्दिष्ट समय नहीं होता, आप अपने दिनचर्या में कोई भी आधे घंटे का समय निकाल के व्यायाम जरूर करें। कैसे करें, व्यायाम से पहले क्या तैयारियां करें? वैसे तो नॉर्मल लोगों के लिए कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ छोटी छोटी तैयारियां जरूरी है। जैसे धीरे से शुरुआत करें, अगर आप नया व्यायाम शुरू कर रहे हैं तो आप एकदम से एक दिन में 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चलना या दौड़ना न करें। आप धीरे से पहले आप 400-500 मीटर चलें, स्लो स्पीड में चलें, धीरे धीरे अपनी स्पीड और अपना ड्यूरेशन बढ़ाते रहें। डायबिटीज के मरीज हल्का नाश्ता करके व्यायाम करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि व्यायाम करने से कैलोरी लॉस के कारण कई बार शुगर कम होने के चांसेस रहते हैं, खास करके ओल्ड एज जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरा, व्यायाम से पहले या व्यायाम के बाद बीच बीच में अपना शुगर जाँच करें और देखें कहीं ये बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ के मरीज अपने जोड़ों का ध्यान रखें। कई लोग हैं जो स्लीपर पहन के या बिना चप्पल के, मैंने कई बार देखा है फील्ड में बिना चप्पल के हरी घास में खाली पैर चलते हैं, वैसा बिल्कुल भी ना करें। अच्छा जूता खरीदें, अगर अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा महंगा जूता खरीदें, बाकायदा मोजे और जूते पहन के व्यायाम करें। कभी भी बिना जूता मोजा व्यायाम न करें, और चप्पल, हवाई चप्पल या बिना चप्पल तो बिल्कुल भी व्यायाम न करें। डायबिटीज़ के मरीजों को पाँव में घाव होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, अगर किसी कारण से आपके पाँव में कोई घाव हो गया आप जान भी नहीं पाएंगे और बाद में बहुत बड़ी तकलीफ में फंस जाएंगे। दूसरा, आँखों के मरीज एक बात सुन लें, आजकल एक चलन है लोग अपने घर में जोर जोर से सांस फूंकने वाला व्यायाम करते हैं तो, या फिर मेहनत वाला व्यायाम करते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखें, डायबिटीज के मरीज अगर आपकी आँख में कोई प्रॉब्लम है, अगर आँख में रेटिना की वेन फूटी हुई है या फटी हुई है और आप अगर मेहनत वाला व्यायाम करते हैं तो शायद रेटिना में ब्लीडिंग होकर आपके आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो कोई भी व्यायाम ऐसे ही किसी से सुन के या टीवी में देख के ना करें, आपको हल्का कार्डियोवास्कुलर व्यायाम करना है जिसमें शरीर में एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और सिर्फ हार्ट बीट बढ़ती है, इस तरह का व्यायाम करें। मैं मेरे वीडियो में कुछ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जिसमें आपको आसानी से हल्के लेवल से लेके डिफिकल्ट लेवल तक एक्सरसाइजेस की यूट्यूब की लिंक्स मिल जाएगी जो हम हमारे मरीजों को रेगुलरली प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि उन्हें कुछ याद रखना ना पड़े, वो मोबाइल अपने मोबाइल में या मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करके वहां पर वीडियो चलाएं और उसको देखते हुए व्यायाम करें, ताकि कोई भी परेशानी ना हो, ना कोई महंगा औजार खरीदने की ज़रूरत है, ना कोई महंगा इंस्ट्रूमेंट खरीदने की ज़रूरत है, ना आपको बड़ी महंगी मेंबरशिप फीस देके कोई जिम जाने की ज़रूरत है। आप सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो चला के सुबह घर में अपने कमरे में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण ना आपको कोई समय का बंधन होगा, ना कोई मौसम का बंधन होगा। अक्सर देखा गया है कि जो लोग बाहर घूमने जाते हैं वो ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा बरसात में या ज़्यादा सर्दी में बाहर नहीं जा पाते,
कोई दिन लेट से उठे तो जा नहीं पाते, तो इस तरह के बहुत सारे बहानों के कारण साल में वो मुश्किल से 6 महीने ही व्यायाम करते हैं और 6 महीने व्यायाम नहीं करते। लेकिन हम कुछ ऐसा उपाय आपको बता देंगे जो आप घर में 365 दिन घर में व्यायाम कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से एब्सोल्युटली फ्री आप घर में व्यायाम कर सकते हैं। और एक दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, डायबिटीज के मरीज हमेशा कुछ खाने का सामान, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं या घर में भी व्यायाम कर रहे हैं तो अपने पहुंच में कुछ खाने का सामान जरूर रखें, ताकि अगर अचानक से आपके शुगर कम हो जाए, पसीना आए, घबराहट हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हो, तो आप तुरंत से कुछ मिठाई खा के अपना शुगर को नॉर्मल कर सकें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा हाइपोग्लाइसीमिया वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके सिम्टम को आपको ध्यान में रखना जरूरी है, आपको एक्सरसाइज करते समय किसी भी वक्त उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को पूरा करें, आधा न करें, इसके बाद वो हाइपोग्लाइसीमिया वाला वीडियो जरूर देखें। व्यायाम के लिए जैसे मैंने बोला, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कई सारे लिंक्स दे दिए हैं, आप उन्हें जरूर देखें और उन्हें जरूर करें। दोस्तों ये मेरा व्यायाम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था जो आप लोगों की जानकारी के लिए था। अपने कीमती सुझाव जरूर दें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें, ताकि मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में मुझे और मदद मिले, मेरा और मोरल बूस्ट हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट।